नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पीला धागा कैसे तैयार करना है, यानी जिन लोगों का जुपिटर खराब रहता है, जिनके सीनियर्स उन्हें बार बार परेशान करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे जूनियर्स जो होते हैं वो हमारा काम नहीं करते, कई बार वो काम तो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके काम के ऊपर कभी भी सीनियर की नजर क्यों नहीं जाती है। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। अच्छा, ये सिर्फ सीनियर की सिर्फ ऑफिस के अंदर बात नहीं है, घरों के अंदर भी देखिएगा, कोई व्यक्ति इतना काम करता है लेकिन उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं जाएगी, बट कोई व्यक्ति सिर्फ मात्र एक काम पूरे दिन में कर लेगा तो उसके ऊपर हर किसी की नजर जाने लगती है। अरे बहुत काम किया इसने, ये सुबह से काम कर रहे हैं, और जबकि पता चले कि उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं होता, काम तो सारा दूसरे ने किया होता है। अब जब ये आपको लेवल नहीं मिलता है, जो आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती कि जिसके आप हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते क्योंकि मेहनत तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो होता है वो दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका जुपिटर बहुत खराब है, यानी आपको तवज्जो नहीं दी जा रही, किसी बात की तवज्जो नहीं दी जा रही। अब ये जुपिटर खराब है, आप जुपिटर सोचिए ना किन किन भावों के स्वामी है। सबसे बड़ी बात है तो जुपिटर आपके भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, नवमेश ये जुपिटर है, और द्वादश भाव के स्वामी द्वादशेश भी जुपिटर है। और जुपिटर का ये जो रोल है आपके जीवन के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी समस्याओं के चलते अपने मनोबल को खराब कर देते हैं, अपने मनोबल को गिरा देते हैं। फिर हमें लगता है कि यार हमारी तो मेहनत कहीं दिखनी नहीं है, इसीलिए हम एक काम करते थे, हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या ये काम करना छोड़ देना हमारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं। तो क्यों ना हम ऐसी एक एनर्जी क्रिएट करें, ऐसा एक वे आउट निकालें जिससे हमारे जुपिटर को एनर्जी मिले और हमें वो रुतवा मिले जिसके हम हकदार होते हैं। अगर ऑफिस में जाए, काम करें सिंसियरली, काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता है। काम नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हमारा रुतवा भी बढ़ जाए, हमारे उच्च पद भी मिल जाए, हमारी प्रमोशन भी हो जाए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप काम करने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो ये चीजें चुभती हैं, खलती हैं इंसान को, और वही डिप्रेशन जो होती है वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि उससे निकलने का प्रयास ही नहीं हो पाता। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने जुपिटर को ठीक करना है, सबसे पहले तो गुरुओं और गुरु रूपी व्यक्तियों की ये तो आपने रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमसे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है कि जिसकी वजह से हम उसका हर्जाना जो है वो भुगतते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि मैं सर्वोपरि, मैं बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं होता है। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, हर दिन कहीं ना कहीं उसे मिस्टेक हो सकती है, संभावनाएं हो सकती है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती तो इसके मतलब सबसे बड़ा झूठ तो वही जीवन के अंदर बोल रहा है, मैं सबसे अच्छा, ये तो बहुत ही झूठ है। तो ऐसा हो नहीं सकता, इंसान है, स्वाभाविक है, कुछ चीजें, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हर दिन आम लोगों से होती हैं, बट हम उसे करेक्ट कैसे करें। आज बात आपके रुतवे की, स्टेटस की, आपकी सेटिस्फेक्शन की, सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क की, और आपके लेवल की, आपकी रिस्पेक्ट की, आपकी कुर्सी की। यहां बात हो रही है कि कैसे आप अपने भाग्येश को ठीक करें, यानी भाग्य के स्वामी को ठीक करें जो आपके लेवल को अप कर सके, इन्हेंसमेंट कर सके, और प्लस आपके मन को भी शांत कर सके। गुरु रूपी व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लिया करें। दूसरा, येलो रंग, ये देखिए हमने भी पहना हुआ है, तो येलो रंग का इस्तेमाल अपने जीवन के अंदर बढ़ा दीजिए। गुरुवार के दिन आपने
पूजा स्थान, धर्म स्थान पर कुछ ना कुछ जो आपका मन है या फिर जो आपका सामर्थ्य है, क्योंकि अंडर प्रेशर जाकर के आपको चीजें नहीं करनी है, आपका जितना सामर्थ्य है या फिर जो आप अफोर्ड इजिली कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डोनेशन आपको जरूर करनी चाहिए धर्म स्थानों पर। और फिर करना चाहिए पीले रंग का धागा, जो चमत्कारी धागा आपके जीवन के अंदर एक रोल निभा सकता है। पीले रंग का धागा लेना है और उसे सबसे पहले आपने अपनी कलाई के ऊपर 9 टाइम ना लपेट करके देख लेना, यानी पूरे 9 उसकी जो एक लपेटे आप जब उसका पूरे 9 सर्कल हो जाए तो उसे फिर आपने बांधना नहीं है अभी, उसे 9 टाइम करके उतना माप लीजिएगा, उसका साइज ले लीजिएगा, फिर उसे खोल लीजिए। उसके बराबर हिस्सों में, मतलब जो बीच में नॉट लगेगी, जो गांठ लगेगी वो बराबर हिस्सों में लगनी चाहिए, तो 9 गांठें लगा लीजिए। 9 गांठें लगा करके हर गांठ के ऊपर आपने हल्दी और केसर का या फिर सिर्फ हल्दी का पानी मिला करके गीली करके उसका तिलक लगा सकते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए, 108 बार जाप कीजिए और उसके बाद इस धागे को घर के बड़े व्यक्ति से, यानी उम्र में बड़े व्यक्ति से आपने उसे अपने हाथ में कलाई में राइट हैंड में पहन लेना है और ये पहने रखिएगा। हम कहते हैं ना कि हम बड़े सबसे, अब देखिए यहाँ पे बड़ों की जरूरत पड़ रही है, तो जो हमारे घर के अंदर बड़े होते हैं ना, ये हमारा मार्गदर्शन जो बहुत अच्छे से हमेशा करते हैं, हमें हर एंगल से वो एक सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें है ना, हम खुद बड़े हो जाते हैं जल्दी, तो हो जाइए, आप भी बड़े होइए, लेकिन आप उन छोटे भाई बहनों के लिए बड़े हो जाइए, माँ बाप से थोड़ी ना बड़े हो जाएंगे, माँ बाप से बड़े कौन हो पाया आज तक। तो कहने का मतलब है कि आपको बड़ों का सहयोग लेकर के ये धागा अपने हाथ में कलाई में बांध लेना है, इससे आपके सीनियर्स आपसे ज्यादा खफा नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, अननेसेसरली आपको पॉइंट आउट नहीं करते रहेंगे, आपको अपना एक लेवल मिलेगा और आपको अपने वर्क से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब ये सारी चीजें अच्छी होती है तो हमारा मन शांत होता है, हम पीसफुली वर्क कर पाते हैं। तो है ना, छोटा सा उपाय है लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा सा बदलाव कर सकता है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। 2024 का पूरा राशिफल हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं इंडिविजुअली राशि के हिसाब से, उसे आप जरूर देख लीजिएगा 2024 को कैसे आप अपना बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं लेकिन वो पेड होगी सर्विस, लाइव मैं सुबह रोज 7 बजे आती हूँ तो वो तो आप फ्री अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहिए तो जो नंबर्स दिए हैं उन पर नंबर पर कॉल करके जो पेड सर्विस है उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।